यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। कि सब शांति बनाकर रखे और कानून व्यवस्था का कोई उल्लंघन न करे और मैं डॉक्टर मुझे अनुमति देंगे। अभी भी बता रहे हैं कि लंबे समय के बेहोशी के कारण मेरी पल्स भी 140 से ज्यादा और इरेगुलर है। दोपहर के बाद हार्ट के डॉक्टर भी वह बेहोशी का कहां का प्रभाव आया है उसको करेक्ट करना, सुबह भी एक गोली दी है और जब डॉक्टर अनुमति देंगे मैं जयपुर जाकर न्याय के सामने आत्मसमर्पण करके न्याय तंत्र का आदर करूंगा। मैं आज तक न्यायालय से कभी भागा नहीं हूं। अहमदाबाद में भी वारंट निकला, मैं न्यायालय के सामने जब कर सर झुका कर खड़ा था और देश में कहीं पर भी हुआ मैं न्यायालय के सामने हुआ हूं। यह घटनाक्रम में मकर संक्रमण के दिन बड़ा पुलिस का काफला और उनमें से किसी ने आकर बताना वह घटना के कारण पुलिस से दूर होकर न्यायालय तक जाने का प्रयास था। शायद भगवान की इच्छा नहीं होगी, रास्ते में रुक गया, हॉस्पिटल आ गया। मैं डॉक्टर अनुमति देंगे तब जाएंगे। मेरी गुजरात पुलिस से कोई कंप्लेन नहीं है, मेरी राजस्थान पुलिस से भी कंप्लेन नहीं है। गुजरात पुलिस से इतना कहना है कि मेरी रूम का सर्च वारंट आप क्यों करने जा रहे थे? मैं क्रिमिनल हूं क्या? मैं अभी लॉयर को मेरी रूम के दरवाजे पर बिठाकर सूचना दी है। जब गुजरात पुलिस कहेंगी मैं पुलिस और मीडिया के साथ ही मेरे रूम में जाऊंगा। मेरी रूम में अनैतिक कानून विरोधी एक भी चीज नहीं है। मेरी तीन ही संपत्ति है, एक भगवान की बैग, एक कपड़े की, एक पुस्तक की, इसके अलावा कोई संपत्ति नहीं है। इसलिए मैंने कोई कानून अनैतिक काम नहीं किया है। इसलिए मैं क्राइम ब्रांच को प्रार्थना करूंगा कि आप सब हमारे हैं, सम्माननीय हैं, राजनीतिक दबाव में आने का काम मत करो। फिर से संपूर्ण पुलिस के प्रति मेरा आदर है, गुजरात राजस्थान किसी के विरुद्ध कंप्लेन नहीं है। मैं कानून का पालन करके न्यायालय में जाऊंगा और मेरा जीवन रहे या नहीं रहे, मैं राम मंदिर, गौरक्षा, किसान युवाओं के लिए अकेला लड़ना पड़े तो अभी लड़ता रहूंगा और मेरी आवाज दबाने का कोई प्रयास न करे। जिनकी संपत्ति होती है, सत्ता होती है, उनकी आवाज दबाई जाती है। मैं तो यह शहर में संपत्ति और समृद्धि छोड़कर निकला हूं हिंदुओं के लिए, इसलिए मेरी आवाज दबाने का प्रयास न हो। मैं मेरा हर प्रयास सभी हिंदू संगठनों की एकता के लिए करता रहूंगा, परंतु मेरी आवाज दबाने का प्रयास न हो, यही प्रार्थना के साथ मैं आप सबको धन्यवाद कर रहा हूं। मैं इस विषय में ज्यादा नहीं बोलूंगा, मैंने जितना कहा इतना पर्याप्त है। आप सबको धन्यवाद। इशारा है आपका इशारा किस ओर है? मुझे कुछ नहीं, मैंने जो कहना था वो कह दिया है। सेंट्रल आईबी, जब मैं डॉक्टरों को कहता हूं कि एक मरीज मुफ्त में देखो, 10,000 डॉक्टर जुड़े, वह डॉक्टरों को जाकर धमकाती है और डॉक्टर प्रवीण तो कहिया पत्र लिखता है कि क्यों किया, उनका आज तक उत्तर नहीं दिए थे। मेरी रूम में आकर कोई व्यक्ति ये बताकर गया, उन पर मैंने विश्वास नहीं किया था, पर बताकर गया और यही फोन मुझे आया कि बड़ी मात्रा में राजस्थान की पुलिस गुजरात की पुलिस से मदद से आ रही है, तब मेरे मन में संदेह हुआ। तो उस स्थिति में मुझे कानून का पालन भी करना और अपने को बचाना अर्थात न्यायालय के लिए जाना, उनके लिए कोई रास्ता ढूंढना चाहिए,
पर ढूंढने का मैंने प्रयास किया। क्रिमिनल तो है नहीं कि आपका एनकाउंटर किया जाएगा, अचानक से आप वहाँ पे कोतरपुर में पाए जाते रात के वक्त में, तो पूरा दिन कहाँ पे थे आप? मैंने कहा ना कि मैं थलतेज में एक घर में गया, उस घर में जाकर मैंने एडवोकेट सब लॉयरों का कांटेक्ट किया राजस्थान में, सबका कहना था कि आपको पुलिस गिरफ्तार करके गड़बड़ करे न करना है तो आप आकर न्यायालय को सरेंडर करो। इसलिए मैं, मेरे पास घड़ी नहीं थी, मोबाइल बंद था, करीबन 3 बजे के करीबन मैं ऑटो रिक्शा में एयरपोर्ट से विमान पकड़कर, मुझे अंदाज था कि जयपुर का विमान है, मिलता है तो सीधा जयपुर वरना दिल्ली होकर मैं जाने के लिए निकला। रास्ते में यह स्वास्थ्य की गड़बड़ हुई, फिर क्या हुआ मुझे कोई पता नहीं। आप कह रहे हैं कि आवाज दबाई जा रही है आपकी, कौन डरा रहा है इस बात को स्पष्ट कर सकते हैं आप? कौन आपकी आवाज को दबा रहा है, कौन डरा रहा है आपको? समय आने पर मैं एविडेंसेस के साथ, आपके मोबाइल गुम है, एविडेंसेस के साथ मैं बताऊंगा। मैं सिक्योरिटी को कह के निकला हूँ, सिक्योरिटी को कह के निकला हूँ, मैं कोई छुपा कर सिक्योरिटी वाला पूछो, मैंने बताया कि मैं कार्यालय छोड़कर जा रहा हूँ। दोपहर 3 बजे से 8 बजे का ऑटो रिक्शा में गए मैं, ऑटो रिक्शा में 3 बजे के बाद निकला, वहाँ पहुँचने में आधा पौना घंटा लगा होगा। इसके बाद मैं बेहोश हो गया, इसके बाद की घटना का मुझे कोई पता नहीं है। मैंने हॉस्पिटल में पाया, कौन सी हॉस्पिटल है वह भी पता नहीं था। मेरे साथ मैं अकेला निकला था, मैं अकेला, मेरे साथ तब कोई नहीं था, मैं अकेला निकला था। मैं एयरपोर्ट जाने के लिए निकला था, मैंने शाल रखी थी ताकि रास्ते में कोई पुलिस पहचाने नहीं। साल पहन कर मैं ऑटो रिक्शा में बैठ गया। कार्यालय से जब आप निकले तब कौन सकता है? कार्यालय से जब आप निकले, विश्वंदु परिषद का 30 साल पुराना कार्यकर्ता खड़ा था, उसको ले लिया। पुलिस कहेंगे तब पुलिस के पास उसको मैं भेज दूंगा। अभी मैं बार बार कह रहा, मैं किसी से डर नहीं रहा हूँ, पर मुझे डराने का प्रयास हो रहा है। ये दोनों केस तो जनता के समक्ष है। मकर संक्रमण के दिन क्या पुलिस का काफिला गिरफ्तार करने के लिए आता है? मुझे बता देते फोन पर, मैं कोर्ट में प्रस्तुत हो जाता। राजस्थान पुलिस नहीं थी, राजस्थान माननीय मिनिस्टर ने, सीएम ने भी मना किया, तो आपको ये अरेस्ट करने के लिए कौन आए थे, कौन किसके पास? यहाँ के आज सुबह क्राइम के चीफ भी मिलने आए थे, उन्होंने कहा कि राजस्थान पुलिस आई थी और राजस्थान पुलिस ही गिरफ्तार करने आई थी, परंतु यह जानकारी राजस्थान के सीएम, होम मिनिस्टर, वहां के आईजी को नहीं थी। मुझे यही कहना है कि अहमदाबाद का वारंट निकला तब भी जानकारी सीएम, होम मिनिस्टर को नहीं थी, तो प्रवीण तोगड़िया को दबाने का प्रयास कौन कर रहा है, क्यों कर रहा है? कानूनी प्रक्रिया चलती है, हम भी कोर्ट में सरेंडर होंगे, पर कानूनी प्रक्रिया में यह मुख्य लोगों को भी पता नहीं है, ऐसा तो कभी नहीं होता है। मैं तो बेहोश था, मुझे पता ही नहीं है कौन सी हॉस्पिटल में हूँ, वो भी पता नहीं है, और कौन लाया वो भी मुझे पता नहीं। वो डॉक्टर बता पाए, मामले में आपके खिलाफ कोर्ट वारंट निकाल दिए 10 साल पुराने मामले में, क्या पूरा सिलसिला अब शुरू हो गया कि आपसे? हाँ, मेरा कहना है और मेरी जानकारी है कि अन्य राज्य में भी ऐसे केस निकलवाकर यही प्रक्रिया चली है, ताकि एक जेल से दूसरी जेल में जाकर हम हिंदुत्व की बात छोड़ दे। आप खुल के सामने क्यों नहीं आ रहे? अब इतना तो आपको पता ही है। तबियत खराब,